हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लीन गर्ल मेकअप लुक, जो नो मेकअप मेकअप लुक नहीं है। ये एक क्लीन गर्ल मेकअप लुक है जिसमें प्रोडक्ट तो यूज़ होंगे बट कुछ डिफरेंट। मतलब आपको आपको बहुत ही एक अपनी स्किन एक अच्छे से लगेगी, बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगी, बहुत ही स्मूथ, और आपका मेकअप देख के कोई कहेगा भी नहीं कि आपने मेकअप यूज़ करा है। तो ये लुक बहुत ही ज़्यादा ट्रेन में है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले, हमें इसे करने से पहले अपने जो फेशियल हेयर होते हैं नॉर्मली आईब्रोज़ के या अपर लिप्स के, आपको उसको नीट कर लेना है, उसको आपको क्लीन कर लेना है। आप जिससे भी कंफर्टेबल हैं आप उससे कर सकते हैं, आप रेज़र से कर सकते हैं, आप प्लकर से कर सकते हैं, आप थ्रेड से कर सकते हैं, एज यू विश। तो यहाँ पे मैं थ्रेड ले रही हूँ ये, और जहाँ जहाँ मेरे थोड़े थोड़े से लिप पे हैं वहाँ मैं क्लीन कर लूँगी। इससे क्या होगा, जो हमारा मेकअप है वो बहुत ही स्मूथ लगेगा और एकदम क्लीन लगेगा। जहाँ पे आईब्रोज पे भी अगर कहीं आपके बाल हैं, आप बिल्कुल क्लीन कर लीजिए ताकि आपको एकदम इक्वली स्किन एकदम मज़ेदार लगे आपकी। आउच, एकदम स्किन आपकी मज़ेदार लगे, देखने वाले भी बोले वाह क्या स्किन है। तो इस तरीके से हम अपने मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने स्किन पर टोनर लगा लूँगी। टोनर के लिए मैं गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। टोनिंग से हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं, पीएच लेवल जो है वो बैलेंस हो जाता है, तो जिससे ऑटोमेटिकली हमारे फेस पे ग्लो आ जाता है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इनको स्किप नहीं करना। अगर हमें क्लीन मेकअप करना है तो हमें पहले अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्राइम करना होगा और उसकी पहले से ही केयर करनी होगी। एक रात पहले अगर आपने फेशियल हेयर हटाए हैं, आपने फेशियल लिया है, तो आप सेम डे में मेकअप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कुछ रिएक्शन हो रहे होते हैं हमारे स्किन पर, तो और ज़्यादा थोड़ा हार्मफुल होता है स्किन के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सिरम लूँगी। आप कोई भी सिरम ले सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे ये ऑयल ले रही हूँ, सिर्फ दो, एक कोकोनट ऑयल है और एक आलमंड ऑयल है, उसको मैंने मिक्स कर रखा हुआ है। उसको मैं अपने स्किन पे अच्छे से लगा लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ और उसे मसाज दे देती हूँ। इससे मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये स्किप कर दें, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई सिरम लें जो कि ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्राइमर के लिए स्विस ब्यूटी का प्राइमर ले लूँगी, जिससे मेरी स्किन पे ग्लो भी आएगा। इसको भी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्स के एरिया पर लगाऊंगी। वैसे जो मैंने अभी स्टेप फॉलो करे हैं, जो मैंने अभी मसाज करी है और टोनिंग करी है, उससे मेरी स्किन ऑलरेडी ही बहुत टाइट हो गई, बहुत अच्छे से ना प्रेप हो गई है मेकअप के लिए। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरी स्किन शाइन कर रही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का फ्लॉलेस बेस लूँगी। ये बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है, ये इस मेकअप के लिए बिल्कुल फिट है, आपको बहुत फुल कवरेज नहीं देगा, बहुत ही शेयर कवरेज देगा। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। इसका शेड था 01 जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लें। यहाँ पे मैं इसको डॉट डॉट करके लगा लूँगी। अगर आप ब्रश से इसको ब्लेंड करेंगे ना, तो आप इसका थोड़ा कम अमाउंट रखिएगा, वरना वो आ जाते हैं उसके निशान। फिर मैं इसको ब्लेंडर के साथ भी एक बार सेट कर लूँगी ताकि मेरे कोई भी क्रीज लाइन ना रहे, एकदम मेरी स्किन पे फिट हो जाए, मिक्स हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर लूँगी। कंसीलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अच्छे से अपने अंडर आई एरिया पर लगा लूँगी। मैं डायरेक्ट अंडर डार्क सर्कल पर नहीं लगाऊंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा नीचे लगा रही हूँ डाउन में। फिर आप जहाँ जहाँ हाईलाइट पॉइंट है वहाँ वहाँ लगाइए, बट बहुत ही थोड़ा थोड़ा। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। पहले मैं पूरे फेस का ब्लेंड कर लूँगी, लास्ट में मैं अपने अंडर आई को ब्लेंड करूँगी ताकि मुझे और कवरेज मिले। इतने से ही फाउंडेशन से अगर आप इतने से ही कंसीलर से अगर आपको काफ़ी अच्छी कवरेज चाहिए, तो आप उसको थोड़ी देर अपनी स्किन पर रखें और फिर ब्लेंड करें, तो वो आपको थोड़े से ही अमाउंट में अच्छी कवरेज दे देगा। जैसे कि आप देखेंगे मैंने इसको ब्लेंड करा, और देखिए मैंने इसे नीचे लगाया था और फिर उसको ब्लेंड करते करते मैं अंडर आई की तरफ जा रही हूँ, तो मेरा अच्छे से ब्लेंड हो गया है और बहुत ही बटर की तरह ये मेरे स्किन पे
ब्लेंड हो रहा था क्योंकि हमने बहुत अच्छे से अपने स्किन को मेकअप के लिए रेडी कर रखा है। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी मेकअप करते हैं तो बेस फ्लॉलेस लगेगा ही और एकदम क्लीन हो जाएगा हमारा फेस। हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए स्विस ब्यूटी की कॉन्टोर पैलेट यूज़ करूँगी, जिसका शेड मैं डार्क ब्राउन लूँगी और उसको मैं अपने फिंगर से डॉट डॉट करके अपने जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोरिंग करनी है वहाँ वहाँ मैं कॉन्टोर कर लूँगी। कॉन्टोरिंग को स्किप नहीं करना, क्योंकि कॉन्टोरिंग से क्या होता है, जैसे मैंने फाउंडेशन लगाया है तो मेरा फेस ना फ्लैट हो गया, जो ओरिजिनल शेडो है मेरे फेस की वो एकदम गायब हो जाती है। तो इस कॉन्टोरिंग करने से हमारे जो फीचर्स होते हैं, जहाँ जहाँ हमारे शेडो होते हैं उधर उधर हमें कॉन्टोरिंग करनी है, उससे हमारा फेस थोड़ा सा पॉइंटेड लगता है, एकदम फ्लैट नहीं लगता। तो इसको आप अच्छे से चाहे बहुत हल्की सी करें, अगर आपके बिगनर्स हैं तो आप डॉट वाली करें, बट करें एकदम ऐसे ही, नहीं छोड़ें फाउंडेशन को क्योंकि वो बहुत वेयर्ड लगता है। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप देख रहे हैं हल्की सी शेडो आ रही है मेरे फेस पे, चीक बोन पे और जॉ लाइन पे, और जॉ लाइन की तो बहुत ही ज़रूरी है। हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी के लूज़ पाउडर से अपना फाउंडेशन सेट कर लूँगी। और फाउंडेशन सेट करने के लिए बहुत ही थोड़ा थोड़ा पाउडर लेना है, एकदम से भरकर नहीं लगाना, वो एकदम केकी हो जाएगा, फाइन लाइंस आ जाएंगी और स्वेट आते ही वो वाइट वाइट दिखेगा। तो आपको इसको लेना है अपने हाथ पे, एक बार ब्लेंड करना है, फिर आपने अपनी अंडर आई पर ले जाना है। इससे आपका बेस सेट का सेट रहेगा और कहीं से भी ओवर पाउडर नहीं लगेगा, एकदम वाइटिंग नहीं लगेगा। इसको अच्छे से हम अपने फेस को सेट कर लेंगे। और ये स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर था। नेक्स्ट मैं आईब्रो को करूँगी अपनी फिल। तो पहले मैं इसको स्पूली के साथ अच्छे से सेट कर लूँगी, फिर नेक्स्ट मैं एक एंगुलर ब्रश के साथ एक ब्राउन शेड लूँगी, देन उसमें ब्लैक भी ऐड करूँगी, क्योंकि जो मेरी आईब्रोज़ का शेड है, जो भी कलर है, वो बहुत ब्राउन नहीं है, वो ब्लैक में ही आता है। तो इस तरीके से अगर मैं खाली ब्राउन लगाती हूँ तो ब्राउन अलग ही दिखता है, खासकर पीछे की तरफ। तो मैं पीछे की तरफ ना डार्क थोड़ा कलर लेती हूँ मिक्स करके, और आगे मैं सिर्फ ब्राउन यूज़ करती हूँ, ताकि आगे मेरे थोड़े से हेयर कम हैं तो उस तरीके से ब्राउन वहाँ पे फिट हो जाता है, बाकी पीछे फिट नहीं होता, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्लैक ऐड करना पड़ेगा, तभी नीटनेस आएगी मेरी आईब्रोज़ में। तो आपको भी अपनी आईब्रोज़ के अकॉर्डिंग अपनी फिल करनी है, और बहुत अच्छे से फिल करनी है। आईब्रोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके ओवरऑल फेस के लुक के लिए, तो आप इसको अच्छे से टाइम लेके अच्छे से फिल करना। उसको स्पूली के साथ हम एक बार सेट कर देंगे, ताकि हमारे जो हेयर हैं वो एक जगह सेट हो जाएं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आई शेडो के लिए ब्राउन शेड और एक पिंक शेड हल्का सा लेके अपना एक नेचुरल शेड जो बनेगा उसको मैं अपने लिड पर अप्लाई कर लूँगी। कोई कलर यूज़ नहीं करने हमें इसमें, क्योंकि एक क्लीन मेकअप लुक है हमें यूज़। हमने सब करा है, फाउंडेशन भी करा है, कंसीलर भी करा है, बट हमें कोई कलर ऐड नहीं करने हैं इसमें, ताकि हमारा फेस एकदम क्लीन लगे, नेचुरल कलर लगे। तो ये देखिए कितना प्यारा शेड बनाए, ब्राउन पिंक, ये एकदम नेचुरल बन जाता है। जो भी आपके लिड का कलर होता है ना, उसी तरीके का निकल के बाहर आता है। हम इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे और अच्छे से अपने आई लिड पे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना ब्लेंड करेंगे उतना आपका आई मेकअप हो, फेस मेकअप हो, कोई भी मेकअप हो, आपका अच्छे से जाएगा ही। ये देखिए जिस तरीके से, हमें कोई सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस एकदम आपको ब्लेंड करना है ब्रश के साथ हल्के हाथ से, वही लोअर लिड पे भी लगा लेना है वही ब्रश को। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिक्विड या क्रीमी हम ब्लश लेंगे, पाउडरी ब्लश नहीं लेंगे, वो ज़्यादा पाउडरी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई भी ब्रश ले लेंगे, या आपके पास लिपस्टिक है आप लिपस्टिक लीजिए, उसमें थोड़ा सा अपना सीरम यूज़ कर लीजिए, सीरम के एक ड्रॉप डाल लीजिए। मैंने भी लिपस्टिक में सीरम का एक ड्रॉप डाला है और फिर उसको अपने चिक पे अप्लाई कर लिया। ये देखिए आप कितना प्यारा और कितना नेचुरल सा पिंक निकल के बाहर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बस एक शेडो आएगी मेरे चिक पे पिंक, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज के लैशेस को मस्कारा लगा लूँगी। मस्कारा आप अच्छे से जितना हो सके उतना लगाइए, क्योंकि हम लाइनर यूज़ नहीं करेंगे, हम मस्कारा अच्छे से अपने अप्लाई करेंगे, ताकि हमारी आंखें जो हैं वो खुली खुली लगें
और हमारी जो पलकें हैं वो भीगी भीगी लगें। तो इस तरीके से आप अपना मस्कारे पे अच्छे से लगाइए, और मस्कारा तो वैसे भी आपके ओवरऑल लुक को अच्छा कर देता है। हम इसको लोअर लिड पे भी लगा लेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक न्यूड शेड लूँगी, और आप देख रहे हैं मैंने कितना थोड़ा सा अमाउंट लिया है, और उसी को ही अपने पूरे लिप पे ब्लेंड कर दूँगी। आप कोई भी शेड ले सकते हैं, आप पिंक ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, न्यूड ले सकते हैं। और ये देखिए इसको ब्लेंड करा एक तरीके से, पूरी तरीके से मैंने इसे अपने फिंगर से क्लीन भी कर दिया, और ये कितना नेचुरल, कितना प्यारा शेड बना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपना बाम लूँगी, लिप बाम लूँगी, और उसको भी अंदर की तरफ एक बार टैप टैप कर कर लगा दूँगी, ताकि थोड़ा ऑरेंज शेड आए। यहाँ पे मैं ग्लॉस लगा चुकी थी स्विस ब्यूटी का। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हाइलाइटर लूँगी। हाइलाइटर के लिए मैं कोई सिल्वर कोई गोल्डन यूज़ नहीं करूँगी, मैं थोड़ा पिंक ब्राउन पिंक गोल्डन में जाऊँगी, ताकि हाईलाइट ज़्यादा ना हो, बस थोड़ा सा ग्लो आ जाए फेस पे एकदम। ये देखिए ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा, ये पार्टी मेकअप लुक तो बिल्कुल नहीं है। तो हमें ना थोड़े ब्राउन में थोड़े पिंक में अपना हाइलाइटर उठाना है, ताकि क्लीननेस आ जाए और ज़्यादा हाईलाइट भी ना हो। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना क्लीन, कितना फ्लॉलेस और कितना प्यारा बेस बना है। आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, बहुत ही आपकी स्किन ना एकदम मज़े की लगेगी। तो आप इसको ज़रूर करिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ये बहुत ही प्यारा लगेगा आपको, आई होप ये आप इसे करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।